देश के चुनिंदा शहरों में विकलांगों के लिए विशेष पार्क निर्मित किए गए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। इसी तरह से नागपुर में भी राज्य का पहला विकलांगों का पार्क पूर्व नागपुर में साकार होने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी इस पार्क के प्रकल्प को मंजूरी देने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए खर्च कर 6600 वर्ग मीटर जमीन पर इस पार्क को साकार किया जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना व दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत गडकरी के हाथों विकलांगों को आवश्यक सामग्री उपकरण वितरित किए गए। रेशम बाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में विकलांगों के अधिकारों के लिए कानून मंजूर किया। समाज में विकलांगों को भी सम्मान से जीवन यापन करने और अधिकार देने के उद्देश्य से कानून पर अमल किया जा रहा है। दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में विकलांगों के लिए कुछ पार्क तैयार किए गए हैं। इसी तरह सिटी में भी पार्क तैयार करने के लिए प्रन्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में गडकरी ने प्रन्यास को इस संदर्भ में आदेश दिए थे, जिन पर अमल कर प्रन्यास ने पार्क का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी उपलब्ध कराई जाएगी। सुभाष बूटले के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।